नोएडा में सुबह सुबह मौसम का मिजाज बदल चुका है, मौसम बेहद सुहाना हो चुका है और बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बारिश से मौसम सुहाना हो चुका है, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट और इस वक्त नोएडा में मौसम सुहाना दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें भी देखिए, सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और इसकी वजह से गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। दिल्ली नोएडा की ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त मौसम सुहाना हो चुका है। दो तस्वीरें नोएडा और दिल्ली की, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि झमाझम बारिश के बाद सड़कें गीली हैं और लोग इस मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं। और सुबह से ही बादल छाए हुए थे और अब बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। नोएडा दिल्ली दोनों ही जगहों पर इस वक्त बारिश देखने को मिल रही है और बारिश के बाद मौसम सुहाना हो चुका है। वहीं बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। 18 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर जिलों के लिए अलर्ट है। इसके साथ ही इन जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, संभल, लखनऊ, हरदोई, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर जिले में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो इन तमाम जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए एक बार फिर से मौसम विभाग ने अनुमान जाहिर किया है और 26 जिलों में बारिश का अलर्ट है। वहीं बाराबंकी के सरयू नदी में आई बाढ़ से जिले के रामनगर, सिरौली, गोसपुर और फतेहपुर सहित रामस्नेही घाट तहसील के कुछ गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से नेपाल से छोड़े गए सरयू नदी में पानी की वजह से लगातार यहां के तराई इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इनके आशियाने डूबे हों। हर साल इसी तरह के तबाही के मंजर देखने को मिलते हैं तो कई लोग बेघर हो चुके हैं और अब ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें कम से कम सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। हालांकि प्रशासन की टीम लगातार काम कर रही है लेकिन बाढ़ की चपेट में कई गांव हैं। निचले इलाकों में रहने वालों लोगों की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई है। और अगली खबर गोंडा से है, जहां घाघरा और सरयू नदी इन दिनों उफान पर है, जिसमें गोंडा के दो तहसील क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा दिखाई दे रहा है। घाघरा नदी खतरे के निशान से 38 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि तरबगंज की बात करें तो यहां पर नवाबगंज के माझा इलाके में भी एक दर्जन से अधिक गाँव बाढ़ की चपेट में है। यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात है, लोग जैसे तैसे पानी में पैदल जाने को मजबूर है। ये तस्वीरें देखिए, घाघरा और सरयू नदी का लगातार जलस्तर बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से कई आशियाने डूब चुके हैं। लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्थापित किया जाए, विस्थापित करके उन्हें कहीं और बसाया जाए, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए।